वेलकम टू माय चैनल बघेल फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूंगी अच्छे होंगे, मस्त चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। और आज दिन है शुक्रवार, दशहरे का दिन है। आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हूं गुंजन, मुझे तो आप जानते ही होंगे। 5 दिन हम नहीं मिले, कहीं भूल तो नहीं गई हो ना? ठीक है, भूले नहीं होंगे। मैं थोड़ी सी हाफ गई हूँ, ऊपर चढ़ के आई हूँ क्योंकि नीचे बच्चे शोर कर रहे हैं और कोई मिलने भी आया मम्मी से, इस वजह से बातें बातें हो रही है तो थोड़ा शोर था। और अभी टाइम मिला है मुझे, 2:15 हो रहे हैं व्लॉग स्टार्ट करने का। एक्चुअली खुशी ही खुशी, 3-4-5 खुशी हैं। मैंने सोचा कि आज शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, शेयर कर लूँ खुशी को, बांट लूँ आप सबके साथ। तो समझ नहीं आ रहा है कि पहले कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। और अभी मैं एकदम रेडी होके बैठी हूँ, ये मैं बाद में बताऊँगी आपको कि कहाँ जा रही हूँ, वहीं पहुंचकर शायद बताऊं, अभी बीच में ना ही बताऊं तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप वीडियो देखने के बाद गेस कर सकते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और कमेंट करके बता सकते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आँख में मस्कारा चला गया। हाँ, तो सबसे पहले मैं बता रही थी कि मयंक की तबीयत अब काफ़ी हद तक ठीक है, सिर्फ और सिर्फ खांसी रह गई है, तो वो 1-2 दिन में ठीक हो ही जाएगी। दूसरी बात, मेरे चैनल पे 51 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आज सुबह ही मैंने देखे थे और ठाकुर जी को थैंक यू बोला था। मेरा दिन बन गया आज, मैंने कहा कब से 45 हो रहे थे, फाइनली आज 51 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मेरे लिए ये भी गुड न्यूज़ थी, मैं ठीक हो गया ये भी गुड न्यूज़ थी। ठीक है, उसके बाद मैं 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरी ननद जो है बड़ी वाली प्रेग्नेंट थी, तो उनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो रही थी। अभी फुल 9 मंथ भी नहीं हुए थे, बीच में ही उनकी डिलीवरी करानी पड़ी है, सिजेरियन सी सेक्शन। और बेबी गर्ल हुई है 3 दिन पहले ऑपरेशन से, दोनों स्वस्थ हैं, अभी तो स्वस्थ हैं। 3 दिन बीच में थोड़े से मुश्किल भरे रहे हैं, बेबी भी जो है आईसीयू में रही थी क्योंकि सांस लेने में दिक्कत थी। दीदी अलग हॉस्पिटल में थी, नंद मेरी, और उनकी बेबी अलग हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो इस वजह से माइंड थोड़ा सा अपसेट था और मयंक की वजह से भी अपसेट था, तो मैंने वीडियो बनाना फिर सही नहीं समझा और इसीलिए वीडियो भी नहीं बनाई थी मैंने। देखो, जब मन अच्छा नहीं होता तो फिर क्या बात करेंगे, क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे, अच्छा नहीं लगता ना। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो मैंने सोचा था कि चलो मैं एक साथ ही सारी हैप्पीनेस यूं उड़ा दूं, सब मैं बांट दूं, ताकि मेरे साथ साथ आप सब लोग भी खुश हो जाएं और छोटे से बेबी को ब्लेसिंग दें और उसके लिए कामना करें कि वो अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। और आज 3 दिन की हो चुकी है, वो 4th दिन लग गया है एक्चुअली आज। तो अब हमने सोचा सब कुछ ठीक हो ही गया है तो क्यों ना फिर चला जाए। कहाँ चला जाए ये मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, उससे पहले मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आप सब लोग के साथ सब कुछ शेयर कर लेती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ, हर तरीके से खुश हूँ। फैमिली में कुछ होना हो, खुशी और साथ हो, बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है ये चीज़। बाकी दुनियादारी भाड़ में जाए, फैमिली में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए, एक दूसरे की बात आप समझ पा रहे हो वो होना चाहिए, तो वो सब कुछ आज है। और आज मैं इतनी खुश हूँ ना कि खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ। थोड़ी देर में निकलने वाली थी, फ़ोन आने वाला है किसी का, तो उन्हें हम रास्ते में मिल जाएंगे, उनका फ़ोन आएगा तब हम घर से निकलेंगे, रास्ते में हम सब मिल जाएंगे। और क्या बताऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, क्या क्या बताऊँ मैं, और क्या बताऊँ, मतलब खुशी के मारे ऐसा लग रहा है ये भी बताऊँ वो भी बताऊँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। हालांकि ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। मयंक की तबीयत ठीक है, अब हल्की सी खांसी रह गई है सिर्फ, और मेरी ननद की बेबी गर्ल हुई है और थोड़ी तकलीफ थी, अब वो भी ठीक हो गई है उसकी, और 51 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और हाँ, आज जो ये ब्लॉग डालूंगी मैं, वो मेरा इस चैनल पर बघेल फैमिली व्लॉग चैनल पर 100 यानी कि 100वां व्लॉग वीडियो है, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर करें, लाइक करें
और अगर न्यू फ्रेंड्स हैं जो पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर उन्हें देखने के बाद अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। वीडियो को कम से कम स्किप करना, और आगे जो भी हंसी खुशी की बातें होंगी, उम्मीद करूँगी कि सब कुछ जो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ वो सिर्फ हंसी खुशी से रिलेट करता हो, दुख का नामो निशान ना हो। हालांकि सुख दुख दो ऐसी चीज़ें हैं जो आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि खुशी और सुख ये मेरे जीवन में भी रहे, आपके जीवन में भी रहे, इसी की बातें हमारे और आपके बीच होती रहें, होप सो। तो चलिए चलते हैं अभी नीचे, देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बच्चे अभी डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं, हालांकि मैं बच्चों को बता के ऊपर नहीं आई थी। और आप सब लोग कहोगे कि ब्लॉग स्टार्ट करते ही चबड़ 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 जब से किए जा रही है, और यूँ कह रही है कि बस हो गया बस हो गया। मैं क्या करूँ, मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ, आप मेरे चेहरे से देख सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, आप समझ सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जिस तरीके से आपने अपना प्यार दिया है, 51 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिए यार। और आप बंसी भैया की एक्टिंग करो। तो देखो फ्रेंड, ये मैंने तैयार करके बिठा दिया है, ये भी तैयार कर दिया है। हाय बोलो रूही, हाय बोलो, हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, ऐसे बोला करो, हेलो फ्रेंड्स। देखो ये भी क्या बन गया है, शक्तिमान की तरह चश्मा वश्मा लगा के हो गया, हट जा। और ये हमारा ब्रो, उस दिन देखा होगा दुकान पे सीढ़ियों पे बैठा था, छुप गया था, ये वो ही है, मेरी दीदी का बीच वाला बेटा, सेकंड नंबर का नंबर है इनके, हमारे भी नंबर है, रूही सेकंड है, मयंक फर्स्ट है। और देखो मेरे पास आके खड़ा हो गया उन दोनों को देखने के लिए कि कैमरे में, ये भी आ गई है देखो। हाँ धागा निकल गया देखो चूड़ी में से, मम्मी को दिख गया, मुझे पता नहीं चली। खैर ये बैठी है मेरी मम्मी, मम्मी हेलो बोलो सबको, बाय बाय पहले नहीं करते मम्मी, हेलो पहले करते हैं। हेलो। हाँ पता है आज हमारे 51 सब्सक्राइबर हो गए, खुशी की बात है ना। अब सबसे बोल दो, अब ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, बोलो लाइक करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। हाँ और सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब भी करो, यू कहो कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो करवाओ अक्टूबर में। मम्मी पे तो कहना नहीं आएगा, मैं कह रही हूँ मम्मी की तरफ से कम दिवाली तक 100-150 सब्सक्राइबर तो करवा दो, है ना मम्मी। वैसे अगर किसी ने डबल ट्रिपल अपनी आईडी बनाई हो ना, तो प्लीज एक ही रहने देना। देखो लॉयल रहो, है ना, लॉस मत करना, घाटा नहीं होना चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए, हमारा बिजनेस डूब जाएगा। हमने नया नया बिजनेस खोला है, बिजनेस नहीं है, हमने इतना सीरियस नहीं लिया, बाद में दुख होता है जब चलता नहीं है तो। अभी हाँ तो हमने सीरियसली नहीं लिया है यूट्यूब को, इतना सीरियस नहीं लिया है, ब्लॉग बनाते हैं लेकिन अपनी खुशी के लिए बनाते हैं, जब तक मन करेगा तब तक बनाएंगे, मन हट जाएगा तो नहीं बनाएंगे। इतना सीरियस नहीं लिया है कि हम इससे कमाएंगे, अभी तो नहीं लिया है फिलहाल, आगे लालच आ जाए तो कह नहीं सकते। लॉयल है हम बिल्कुल, सच बात बोलते हैं। ठीक है मम्मी, बाय बोल दो, बाय बाय। तो यहाँ पे हम तीनों जो है बस में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं कहीं, और मयंक रूही कितने खुश हो रहे हैं देखो, और रूही अपने सारे खिलौने जो मौसी लाई थी उसके लिए, और मयंक दोनों अपने खिलौने एक साथ उठा लाए हैं कि हम खेलेंगे खेलेंगे। और यहाँ आपको शक्ल दिख गई होगी महेंद्र जी की भी, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बताना क्या, बाकी अगर नहीं समझ पाए हैं तो आगे जाके पता चल ही जाएगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए चलिए फिर मिलते हैं वहीं पर। अपने घर पे सबने मुंह हाथ धो के पूजा वूजा कर ली है, मयंक रूही टीवी चला के बैठ गए हैं, सीरियल शुरू कर दिए हैं, दूध साथ लेकर आए थे, दूध भी गर्म कर लिया है, और अभी खाने पीने के लिए सोच रहे हैं कुछ बाहर से मंगा लें। महेंद्र जी नीचे उतर भी गए हैं कि कुछ सादा सिंपल सा ही खाना ले आता हूँ, अपने 100 ब्लॉग कंप्लीट होने की खुशी बाद में मनाना, क्योंकि अभी मयंक को भी खांसी है, वो कुछ ऐसा खा नहीं पाएगा,
और थोड़ा बहुत रूई को भी जुकाम लग गया है क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी जब हम आ रहे थे शाम के वक्त, और फिर पानी वानी रास्ते का पिया, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है सबका मौसम की वजह से। तो सोच रहे हैं अभी सिंपल सा ही दाल रोटी ऐसा कुछ मंगा लेते हैं, दाल मखनी और रोटी वगैरह ऐसा कुछ। देखो ठाकुर जी हमें कई दिन में मिले, अभी हम ठाकुर जी से अच्छे से मिले नहीं हैं, कल अच्छे से मिलेंगे नहा धो के, अभी मिले नहीं हैं और सब थक चुके हैं। देखो चेंज वेंज कर लिए हैं सबने मुँह हाथ धो के, ये देखो। हेलो, तो सोच रही हूँ कि वीडियो का एंड मैं यहीं कर दूँ क्योंकि वीडियो आई थिंक इतनी तो बनी गई है कि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ कि, और मैंने बताया ही है कि तीन चार खुशी इतनी अच्छी मिली है आज खुशखबरी कि बस मन खुश ही खुश है, पर थोड़ा सा दुख हो रहा है मम्मी और भाई को वहाँ अकेला छोड़ के आई हूँ, फिर भी चलो ठीक है, हमें तो एक ना एक दिन अपने घर आना ही था वापस, लेकिन मैं जल्द ही जाऊंगी क्योंकि दीपावली के बाद दूज पड़ेगी भाई दूज, तो तब जाना होगा, 15 दिन ही है तो फिर से वापसी वही जाना होगा, और देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वीडियो का मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।